ready चलिए स्टार्ट करते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने जी को कम्प्लीट किया था अगर आप नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करोगे तो जी के बाद हमें एम करना चाहिए था मॉडर्न जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे हमें एसिड एंड बेस के बारे में बात करना चाहिए था लेकिन मैंने हल्का सा सीक्वेंस को चेंज किया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना जी के बाद हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जब तक हम एम जी कवर नहीं कर लेते तब तक हम जी ओ सी के पी नहीं कर सकते इसीलिए अभी हमें थ्योरी को कंटिन्यू करना पड़ेगा एक और चीज़ बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे क्वेश्चंस को लेके देखो क्वेश्चंस करेंगे इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे लेकिन एक बार बेसिक थ्योरी हो जाने दो अगर बेसिक थ्योरी नहीं होगा ना तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे मतलब मुझे समझ आ रहा है आप कह रहे हो कि जो कॉन्सेप्ट बता रहे हो उस पर क्वेश्चन दे दो लेकिन उस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है ये बात आप समझो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए अब तक वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनका एप्लीकेशन आगे आने वाले टॉपिक्स में लगता है और क्वेश्चन आगे आने वाले टॉपिक्स से आते हैं ना कि उन कॉन्सेप्ट से आते हैं ठीक है अब देखिए हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में लेकिन डायरेक्टली हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात नहीं कर पाएंगे अगर हमें यही नहीं पता कि रिएक्शन क्या होता है या फिर मैं अगर आपको ज्यादा स्पेसिफिकली बताऊं सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होता है कैसे होता है उसके बारे में हल्का सा बेसिक इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा सबसे पहले हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में सबसे पहले हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे एक बार हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं उसके बाद हम चालू करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट का टॉपिक सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में देखो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में तो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपके पास क्या होता है अगर मैं बहुत ही सिंपल सी भाषा में बात करूं ना तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपके पास दो चीज होता है एक आपके पास होता है बॉन्ड क्लीवेज एक आपके पास होता है बॉन्ड फॉर्मेशन दो एटम के बीच का बॉन्ड टूटता है दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है यही दो चीज आपके पास होती है एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो यहां पे आपके पास एक होता है बॉन्ड क्लीवेज इसका मतलब है बॉन्ड का टूटना और एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन मुझे एक बात बताओ मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में दो चीज होता है बॉन्ड क्लीवेज बॉन्ड फॉर्मेशन तो आपका कौन सा बॉन्ड टूटेगा और कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा आपको एक चीज़ समझ आती है जो भी आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उसके होने के पीछे का कारण क्या होता है स्टेबिलिटी को अटेन करना कोई भी आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है ताकि वो मोर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो पाए ऐसा हम एक बेसिक सेंस में कह सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ अगर हम चाहते हैं मोर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना इसका मतलब क्या हुआ जो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड था वो हमारा लेस स्टेबल था ऐसा मेजोरिटी केसेस में होगा तो बॉन्ड क्लीवेज में हम क्या करते हैं क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बॉन्ड क्लीवेज में हम दो एटम के बीच में जो लेस स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है दो एटम के बीच में मोर स्टेबल बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं तो हमने लेस स्टेबल बॉन्ड्स को तोड़ा मोर स्टेबल बॉन्ड्स को फॉर्म किया इसका मतलब हमने मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल पर समझाया है कि आपका रिएक्शन कैसे काम करता है ठीक है अब देखो थोड़ा टॉपिक के ऊपर आते हैं तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में तो हमारे पास दो स्टेप होते हैं बॉन्ड क्लीवेज बॉन्ड फॉर्मेशन देखो बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बहुत ही सिंपल चीज है ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज है तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड क्लीवेज के बारे में देखो बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना इसका मतलब क्या होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स अब आपका बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप से हो सकता है एक आपका होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज आपका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होता है जब आपके बॉन्डेड एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम होता है जब आपके बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी में आने वाला डिफरेंस है वो बहुत कम होता है या फिर नियरली इक्वल टू जीरो होता है तब आपका यहां पे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है ऐसे ही आपके पास एक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज ये आपका कब होता है जब आपके बॉन्डेड आइटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो आपका नॉन जीरो होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो आपका नॉन जीरो होता है मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी होता है मतलब कि सिग्निफिकेंटली लार्ज होता है समझ आया तो जब आपके दोनों बॉन्डेड आइटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लगभग लगभग ज़ीरो होगा इसका मतलब बहुत कम होगा उस केस में हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा जब हमारे पास बॉन्डेड आइटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नॉन-जीरो होगा इसका मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा एक सिग्निफिकेंटली लार्ज होगा उस केस में हमारे पास क्या होगा उस केस में हमारे पास हेड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा यह समझ आ गया देखो सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में हमारे पास क्या होगा मानो हमारे पास यहाँ पे दो बॉन्डेड आइटम है हमारे पास यहाँ पे ऐटम ए है ऐटम बी है इनके बीच में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में इसका मतलब क्या हुआ जो हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस है वो नियरली इक्वल टू जीरो है इसका मतलब एटम ए और एटम बी का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी लगभग लगभग सेम है इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अब देखो मैंने यहां पे एटम ए और एटम बी के बीच में दिखाया है कोविलेंट बॉन्ड आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो भी इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको पता है एक कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन आइटम ए का है एक इलेक्ट्रॉन आइटम बी का है दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए तो इस केस में क्या होता है ना इस केस में जब आपका बॉन्ड टूटता है इस केस में जब आपका बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है ना दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं यहां पे क्या होता है जब आपका बॉन्ड का क्लीवेज होता है दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं तो यहां पे आपके पास क्या होगा दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएंगे ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा ऐसे केस में आपके पास फ्री रैडिकल बनते हैं क्या बनते हैं? फ्री रैडिकल बनते हैं। ठीक है तो ऐसे केस में आपके पास फ्री रेडिकल बनते हैं इसीलिए हम इसे कहते हैं फ्री रेडिकल क्लीवेज इसे क्या कहते हैं फ्री रेडिकल क्लीवेज क्योंकि इसमें आपके पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है ठीक है अब ये जो आपका फ्री रेडिकल लीवेज है ये आपको कब कब देखने को मिलता है तो इसके लिए हम लगाएंगे हेल्पर कॉन्सेप्ट ठीक है कभी भी आपके पास या तो हीट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर आपके पास लाइट हो या फिर आपके पास पर हो या फिर आपके पास कोई रेडिकल इनिशिएटर हो इन सभी केस में आपका फ्री रेडिकल क्लीवेज होता है और इन सभी केस में आपका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है इन सभी केस में आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है इन सभी केस में आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है ठीक है जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं मानो यहां पे हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल है अब यहां पे हमारे पास बहुत ही हाई टेम्परेचर अवेलेबल है अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस तो यहां पे हमारे पास कौन सा फैक्टर काम कर रहा है यहां पे हमारे पास हीट वाला फैक्टर काम कर रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे आपका जिन दो आइटम के बीच में बॉन्ड है दोनों आपका कार्बन है और दोनों आपका sp3 कार्बन है तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी डिफरेंस लगभग लगभग जीरो है अब आपको दिख रहा होगा इस कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन राइट right वाले कार्बन का है जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे क्या होगा आपको पता है यहां पे हमारा कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा लेकिन क्योंकि यहां पे हमारा फैक्टर हीट है तो यहां पे ना हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा अब ये होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का क्या मतलब है इसका मतलब हमारे पास ये है ना ध्यान से देखना कि आपको दिख रहा है इस बॉन्ड में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास लेफ्ट वाले कार्बन का है एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास राइट वाले कार्बन का है दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे तो यहां से आपके पास ना मिथाइल रेडिकल का फॉर्मेशन होगा इसे हम कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल या फिर आप इसे कह सकते हो मिथाइल रेडिकल तो रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया ठीक है ये समझ आया आपको जैसे कि मानो आपके पास एक और केस है कुछ ऐसा अब देखो यहां पे हम डालेंगे एच एचम्यू का आपके पास मतलब होता है डिफ्यूज सनलाइट तो ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा बहुत ध्यान से देखना अभी मैंने आपको बताया कभी भी आप देखो रिएक्शन में आपके पास हीट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है या फिर लाइट है या फिर परऑक्साइड है या फिर आपके पास रेडिकल इनिशिएटर है इसका मतलब हमारे रिएक्शन फ्री रेडिकल क्लीवेज को फॉलो करेगा हमारे पास रिएक्शन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके पास एचम अवेलेबल है एचमयू का मतलब है डिफ्यूज सनलाइट इसका मतलब इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा इस रिएक्शन में हमारे पास फ्री रेडिकल क्लीवेज होगा हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा अब सवाल है यहाँ पे हमारे पास कौन सा बॉन्ड टूटेगा देखो आपको एक बार समझना पड़ेगा कभी भी रिएक्शन में आपके पास गैस रिलीज होता है ना तो हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा फेवरेबल बन जाता है क्योंकि गैस के रिलीज होने से सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करती है ठीक है तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे गैस को रिलीज़ करने की देखो यहाँ पे क्या होगा ये जो आपका डिफ्यूज सनलाइट है वो आपके इस वाले बॉन्ड के ऊपर गिरेगा और इस वाले बॉन्ड के ऊपर गिरेगा ऐसा करने से इन दोनों बॉन्ड का आपके पास होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा ठीक है इन दोनों बॉन्ड का आपके पास होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ठीक है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए अब देखो ये जो हमारे पास नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले नाइट्रोजन का है ये जो हमारे पास नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है इस वाले नाइट्रोजन का है दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके एन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे तो ऐसा करने से हमारे पास क्या बनेगा हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनेगा टर्शरी रेडिकल का साथ में एंटू गैस बाहर होगा अब मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे सबसे पहला सवाल आपके मन में होगा मैंने आपको बताया था कि आपके होमोलिटिक बॉन्ड क्लिवेज के लिए बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लगभग लगभग जीरो होना चाहिए लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक लिवेज करा दिया उनके बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो मैं बोलूँगा देखो यहाँ पे ना ये जो हमारे पास हुआ मैं आपकी बात मानता हूँ आपकी बात सही है इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझो एक तो देखो जो आपका रिएक्शन कंडीशन था वो ना आपके रेडिकल मकैनिज़म को ही फेवर कर रहा था कभी भी आपके पास रिएक्शन में हीट हो इलेक्ट्रिसिटी हो लाइट हो परऑक्साइड हो या फिर रेडिकल इनिशिएटर हो उन सभी केसेस में आपका रिएक्शन रेडिकल मकैनिज़म के थ्रू ही प्रोसीड करता है और साथ में यहाँ पे आपको N2 गैस को बाहर निकालना था ताकि सिस्टम की एंट्रोपी भरे प्रोसेस फिजेबल हो फेवरेबल हो इसीलिए हमें यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज कराना पड़ा तो आपको होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज समझ आया सिंपल सा कहानी होता है हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में यहाँ पे बॉन्डेड आइटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस है वो आपका लगभग लगभग जीरो होना चाहिए दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले, ले लेते हैं और यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कभी भी आपके पास हीट हो इलेक्ट्रिसिटी हो लाइट हो परऑक्साइड हो या फिर रेडिकल इनिशिएटर हो तो आपका रिएक्शन में फ्री रेडिकल क्लीवेज होता है आपके रिएक्शन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है आपका रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है ठीक है ये आपको समझ आ गया ऐसे ही देखो हमारे पास हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है देखो हैट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में आपके पास क्या होता है मानो यहाँ पे आपके पास दो एटम हैं एक एटम ए एक एटम बी इसके बीच में आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है आपको पता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की एटम्स के बीच में आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो आपका नॉन ज़ीरो होगा ठीक है अब देखो यहाँ पे हमारा अगर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नॉन ज़ीरो है तो कोई एक एटम आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरा एटम आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी आइटम बी का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए तो अगर हमारा एटम बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका इलेक्ट्रॉन को लेने का ज़्यादा टेंडेंसी होगा और क्योंकि एटम में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी कम होगा तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका होता है मोर टेंडेंसी टू गेट इलेक्ट्रॉन और जो आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका होता है लेस टेंडेंसी टू गेट इलेक्ट्रॉन यह आपको समझ आया देखो आपके पास कोवलेंड बॉन्डेराइट अब क्योंकि आपका एटम भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है एज कंपेयर टू ऐटम है तो आपके एटम बी का ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने का एज कंपेयर टू एटम है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम बी के ऊपर आ जाएंगे ऐसा करने से क्या होगा देखो ए का इलेक्ट्रॉन चला गया बात को समझना ध्यान से ये जो आपका कोवलेंट बॉन्ड था इसमें एक इलेक्ट्रॉन बी का था एक इलेक्ट्रॉन ए का था जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के ऊपर आ गए तो बी वाला इलेक्ट्रॉन भी बी को मिल गया और जो आपका ए का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था वो भी बी को मिल गया तो आपके पास ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे कटाइन का फॉर्मेशन होगा अब देखो सिमिलरली यहां पे क्या होगा इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन बी का था एक इलेक्ट्रॉन ए का था जब यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास आ गए इसको खुद का इलेक्ट्रॉन भी मिल गया इसको ए का इलेक्ट्रॉन भी मिल गया इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा यह आपका अनायन बन जाएगा तो आपके पास होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता था आपके पास हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में आयनिक स्पीशी का फॉर्मेशन होता है आपको खाली इस बात का ध्यान रखना है ठीक है इसका भी एग्जाम्पल लेने का कोशिश करते हैं ठीक है थीके? मानो यहां पे आपके पास मॉलिक्यूल है सी एच थ्री बी आर ठीक है तो यहां पे क्या होगा हमें पता है जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ब्रोमीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन तो ये बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अब जब ऐसा होगा ना तो आपको पता है क्योंकि आपके ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का क्योंकि आपका ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आपका कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है अगर हमें कार्बन और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि जब आपके बॉन्डेड आइटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है तब आपको हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर हम यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का इस्तेमाल करें तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा जो आपका दोनों इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा करने से देखो कार्बन का नुकसान होगा उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे आपके पास कार्बो कटाइन बनेगा और ब्रोमीन को एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसके ऊपर नेगेटिव आएगा यहाँ पे आपके पास अनायन बनेगा तो कटाइन बनेगा अनायन बनेगा यहाँ पे आपके पास आयनिक स्पीशी बनेगी ठीक है लेकिन आपको पता है आयनिक स्पीशी को हम लोग को स्टेबलाइज करना होता है तो ये काम ना अपने आप नहीं होगा यहाँ पे हम लोग को सॉल्वेंट का सहारा लेना पड़ेगा जैसे कि वाटर तो अगर इसको वाटर में डालेंगे ना तब यहाँ पे ऐसे स्लोली स्लोली इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा और ये जो आपका आयनिक स्पीशी बनेगा ना इसको आपका वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेट करके स्टेबलाइज कर देगा ठीक है ऐसा कुछ कहा नहीं आएगा मानो हमारे पास ऐसा कुछ है यहाँ पे सी एच थ्री है यहाँ पे एल आई है अब देखो इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना है हम लोग को तो अब देखना कहानी बदल जाएगी अब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम का कम है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा बिकॉज ऑफ इंडक्टिव अब अगर इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना है तो क्योंकि आपका कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कंपेयर टू लिथियम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कार्बन के ऊपर आ जाएंगे ऐसा करने से यहाँ पे देखो क्या होगा कार्बन को एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका अनायन बनेगा इसका कटायन बनेगा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ये काम ऐसे नहीं होगा इसको पानी में डालना पड़ेगा तो ये स्लोली आपका ऐसे टूटेगा और ये जो आपके पास आयनिक स्पीशी बनेगा इसको वाटर मॉलिक्यूल सोलवेट करके स्टेबलाइज कर लेगा क्लियर तो ये आपका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया बॉन्ड क्लीवेज के बारे में देखो मैंने आपको अब तक क्या क्या बताया रिकैप देता हूं देखो हम बात कर रहे थे कि हमारा मेन टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट उसके लिए हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझना पड़ेगा ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपके पास दो काम होता है बॉन्ड का टूटना बॉन्ड का बनना बॉन्ड का बनना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ज़्यादा वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है बॉन्ड का टूटना बॉन्ड के टूटने का दो तरीका होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज ठीक है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है बॉन्डेड आइटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है लगभग लगभग जीरो होता है यहां पे आपके पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड के बीच में क्या होता है बॉन्डेड आइटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है तो यहां पे आपके पास आयनिक स्पीशी का फॉर्मेशन होता है इतना समझ आ गया आपको तो आपको यहां पे समझ आ गया कि अगर मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन का बात करता हूं उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है एक हमारे पास दो एटम के बीच का बॉन्ड टूटता है जो कि हमारे पास लेस स्टेबल बॉन्ड होता है और एक हमारे पास दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है जो कि हमारे पास मोर स्टेबल बॉन्ड होता है ना? लेकिन अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बात करने की कोशिश करूँ तो हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन ना दो तरह से प्रोसीड कर सकता है ठीक है एक देखो हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या हो सकता है बताता हूं मैं आपको बेसिक फॉर्म कि एक हमारे पास सबस्टेट होगा एक हमारे पास यहां पे अटैकिंग रिएजेंट होगा सबस्टेट का मतलब होता है आपका रिएक्टेड मॉलिक्यूल अटैकिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो आपका इसके साथ सबस्टेट के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है यह आपका अटैकिंग रिएजेंट दो टाइप का हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपके अटैकिंग रिएजेंट का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है अगर आपका अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेंस होगा तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल अगर आपका अटैकिंग रिएजेंट थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल ये मैंने एक बहुत ही बेसिक लेवल पर आपको बताया है जब इनके बीच में रिएक्शन होता है तो सबसे पहले आपके पास बनता है ट्रांजिशन स्टेट वन उसके बाद यहां पे आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है उसके बाद यहां पे बनता है ट्रांजिशन स्टेट टू उसके बाद आपके पास यहां पे प्रोडक्ट्स एंड साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं यह आपका बेसिक फॉर्म हो गया ऑर्गेनिक रिएक्शन का है ना तो आपके सबस्टेट का मतलब क्या होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अटैकिंग रिएजेंट आपका इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है यह आपका न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांजिशन स्टेट वन जनरली पता है क्या करता है ये जनरली आपको बॉन्ड क्लीवेज के बारे में बताता है तो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट जनरली क्या करता है बॉन्ड क्लीवेज को दिखाता है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है या आपके रिएक्शन के बीच में बनने वाला एक स्पीशी होता है ठीक है अब देखो जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो आपके रिएक्शन के बीच में बनता है आपके रिएक्शन के बीच में एग्जिस्ट करता है लेकिन आपका ट्रांजिशन स्टेट ना एग्जिस्ट नहीं करता क्या कहा मैंने आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट एक कंपाउंड है जो कि आपके पास रिएक्शन के बीच में बनता है तो ये आपके पास एग्जिस्ट करता है लेकिन आपका ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता ये आपका बस एक स्टेट होता है जो कि या तो आपके बॉन्ड क्लीवेज को दिखाएगा या तो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन को दिखाएगा या तो दोनों को दिखाएगा इसका मतलब आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ना वो आपके ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होता है लेकिन वो सब और प्रोडक्ट से कम स्टेबल होता है आप सोचो ना अगर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होता तो रिएक्शन आगे जाता ही क्यों समझ आ रहा है तो ये आपके रिएक्शन के बीच में बनने वाला एक स्पीशी होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके रिएक्शन के बीच में बनने वाला एक स्पीशी होता है लेकिन ये आपका स्पीशी अनस्टेबल होता है ठीक है मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एग्जिस्ट करता है यह आपका अनस्टेबल स्पीशी होता है जो कि बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एक्सिस्ट करता है और आपका ट्रांजिशन स्टेट का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है तो यह आपके पास क्या होता है अनस्टेबल स्पीशी और यह एक्सिस्ट करता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ठीक है जो आपका ट्रांजिशन स्टेट टू होता है जनरली आपका बॉन्ड फॉर्मेशन को दिखाता है तो यह आपका बेसिक फॉर्म होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन का सबस्टेट होता है जो कि आपका रिएक्टेंट पार्टिकल होता है अटैकिंग रिएजेंट होता है जो कि या तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल जब आपका सबस्टेट और अटैकिंग रिएजेंट आपस में रिएक्शन करते हैं सबसे पहले आपका ट्रांजिशन स्टेट वन होता है जो कि आपका बॉन्ड क्लीवेज दिखाता है बॉन्ड का टूटना यहाँ पे जनरली हमारे लेस स्टेबल बॉन्ड्स टूटते हैं उसके बाद देखो हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है ये हमारे पास अनस्टेबल स्पीशी होता है जो कि एग्जिस्ट करता है रिएक्शन में बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट टू होता है जो कि बॉन्ड्स के फॉर्मेशन को दिखाता है उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं ठीक है थीके? एक चीज देखो अगर मैं यहां पे आपसे जनरल फॉर्म में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं ये मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूं तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका क्या होता है सबसे ज्यादा स्टेबल आपका प्रोडक्ट होता है क्योंकि आपको पता है ना हर ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके पास स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए होता है तो जनरल सेंस में बोल सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल आपका प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट के बाद आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल रिएक्टेंट होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपके पास जो भी बनता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपके पास जो भी बनता है वो आपके पास कम स्टेबल होता है बहुत रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से और रिएक्टेंट कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कह देते हैं सबस्टेट तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका प्रोडक्ट होगा उसके बाद स्टेबल आपका सब होगा राइट अब बच गया आपके पास ट्रांजिशन स्टेट वन ट्रांजिशन स्टेट टू एंड द इंटरमीडिएट स्टेट तो मैंने आपको अभी बताया कि आपके ट्रांजिशन स्टेट का तो फ्री एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है लेकिन आपका इंटरमीडिएट का फ्री एग्जिस्टेंस होता है लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है इसका मतलब ये बात तो आपको समझ आ गया कि जो आपका इंटरमीडिएट होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है दोनों ट्रांजिशन स्टेट से अब मुझे कैसे पता चलेगा दोनों ट्रांजिशन स्टेट में आपका कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली देखो आपको मैंने बताया जनरली क्या होता है जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट होता है ना वो आपके बॉन्ड क्लीवेज के बारे में हमें आइडिया देता है और बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है हमारा लेस स्टेबल बॉन्ड्स टूटता है लेकिन जो आपका ट्रांजिशन स्टेट टू होता है वो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में आइडिया देता है और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है मोर स्टेबल बॉन्ड्स फॉर्म होता है तो क्योंकि आपका ट्रांजिशन स्टेट टू में मोर स्टेबल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है और क्योंकि आपका ट्रांजिशन स्टेट वन में लेस स्टेबल बॉन्ड्स टूट रहा है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपका ट्रांजिशन स्टेट टू का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें स्टेबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट वन क्योंकि इसमें लेस स्टेबल बॉन्ड्स का क्लीवेज हो रहा है एक बात आपको पता है कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के तो इस लॉजिक से जिसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उसका सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी तो आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपको समझ आ रहा है ये आपके पास स्टेबिलिटी के ऑर्डर का जस्ट अपोजिट हो जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा है आपके पास ट्रांजिशन स्टेट वन का मिनिमम स्टेबिलिटी है तो इसका आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट टू का होगा उसके बाद आपके पास इंटरमीडिएट का होगा उसके बाद आपके पास सबस्ट्रेट का होगा लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट का आएगा यह आपके पास कॉन्सेप्ट होगा ठीक है तो ऐसा कुछ आपके पास है अब इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं मेरे हैंड राइटिंग को इग्नोर करना देखो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है राइट अब देखो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसका है प्रोडक्ट का तो सबसे कम हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट वाला लाइन तो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे कुछ आएगा ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट उसके बाद आपके पास आएगा सबस्ट्रेट वाला लाइन तो कुछ यहां पे आएगा ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट उसके बाद आपके पास आएगा इंटरमीडिएट वाला लाइन थोड़ा बीच में आएगा ये हो जाएगा इंटरमीडिएट उसके बाद आपके पास आएगा सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट वाला लाइन कुछ यहां पे आएगा ये होगा सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट उसके बाद सबसे ऊपर आपके पास आएगा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट वाला लाइन कुछ यहां पे होगा तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा ग्राफ आपका ऐसा कुछ बनेगा ठीक है तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा ये सब है यहां पे आपका ट्रांजिशन स्टेट वन जो कि आपके बॉन्ड क्लीवेज को दिखाएगा यहां पे आपका जो भी इंटरमीडिएट बनेगा उसके बाद यहां पे आपका ट्रांजिशन स्टेट टू जो कि जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन को दिखाएगा यहां पे आपका प्रोडक्ट आएगा ठीक है अब देखो ऐसे ही ना आपके पास एक और ऑर्गेनिक रिएक्शन का सीक्वेंस हो सकता है कि आपके पास ऐसा भी पॉसिबल है ना जो आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो आपका इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड ना करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट बने ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन डायरेक्टली केवल केवल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही प्रोसीड कर जाए तो यहां पे आपका सेकंड पाथवे क्या होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन के प्रोसीड करने का कि आपके पास सबस्टेट है आपके पास अटैकिंग रिएजेंट है ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं ट्रांजिशन स्टेट और जो आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है वो आपका डायरेक्टली कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स प्लस साइड प्रोडक्ट्स में तो ऐसे केस में क्या होता है ना ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है इसमें आपका बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज दोनों एक साथ होता है दोनों साइमल्टेनियस होता है तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है ना साइमल्टेनियस होता है बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ठीक है ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास आता है और यहां पे क्योंकि आपका साइमल्टेनियस बॉन्ड क्लीवेज एंड साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बहुत बार इसको कह देता है कंसर्टेड स्टेप ठीक है यहां पे आपके पास फर्क क्या आएगा दो ट्रांजिशन स्टेट की जगह पे एक ही ट्रांजिशन स्टेट आएगा इंटरमीडिएट नहीं रहेगा और सबस्ट्रेट रहेगा प्रोडक्ट रहेगा तो इस केस में आपके पास ऑर्डर क्या आएगा मैं लिख दूं क्या देखो इस केस में आपके पास ऑर्डर क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी का सबसे ज्यादा होगा ट्रांजिशन स्टेट का उसके बाद होगा सबस्ट्रेट का और सबसे कम आपके पास होगा प्रोडक्ट का इसका ग्राफ बहुत सिंपली बन जाएगा कैसे मैं दिखाऊं? देखो आप वापस से लोगे वाई एक्सिस पे पोट पोटेंशियल एनर्जी को एक्स एक्सेस पे लोगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट को या रिएक्शन प्रोग्रेस बोल लो बात एक ही है अब देखो यहां पे सबसे कम आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका होगा प्रोडक्ट का और यहां पे उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आएगा रिएक्टेंट का जिसे हम सबस्टेट कहते हैं और सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगा ट्रांजिशन स्टेट का जहां पे आपके पास साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड साइमल्टेनियस बॉन्ड क्लीवेज होगा इस केस में तो यहां पे आपका ग्राफ ना ऐसे बन जाएगा ये सबस्टेट ये आपका ट्रांजिशन स्टेट और ये आपका प्रोडक्ट ठीक है ये आपको समझ आ गया देखो अगला टॉपिक हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्ली एरो तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्ली एरो अब मेजॉरिटी लोग जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती है उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आने के पीछे का कारण यही होगा कि उनको आज तक यही नहीं समझ आया होगा कि आपके रिएक्शन में एरो कैसे चलता है होता ये होगा कि आपके टीचर्स लंबे लंबे रिएक्शंस के मैकेनिज्म लिख देते होंगे लेकिन आपको उसमें एक भी स्टेप समझ नहीं आता होगा आप सोचते होंगे, भाई साहब ये बंदा ना एरो कैसे चला रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है देखो आज आपके परेशानी को हल कर देते हैं आपके पास ना कोई भी रिएक्शन स्टेप में आपके पास कोई भी रिएक्शन स्टेप में जो एरो का डायरेक्शन होता है ना वो आपका हमेशा न्यूक्लियो से लेके इलेक्ट्रोफाइल के तरफ होता है एक आपके पास होता है न्यूक्लियो एक आपके पास होता है इलेक्ट्रोफाइल आपको खाली इतना सीखना है ना जो आपका कर्ली एरो होगा हमेशा आपका न्यूक्लियो से लेके इलेक्ट्रोफाइल के तरफ होगा आपको खाली इतना सीखना है जो आपका कर्ली एरो होगा वो आपका न्यूक्लियो से लेके इलेक्ट्रोफाइल के तरफ होगा ये आपको समझ आना चाहिए अब देखो न्यूक्लियो का मतलब क्या है इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है अगर मैं आपसे ये बात पूछूंगा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल हो और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट हो है ना लेकिन ये बोलना उतना ज़्यादा सही नहीं है इसका ज़्यादा करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा कि आपका जो भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसे बोलेंगे न्यूक्लियो तो ये क्या होता है आपके पास स्पीशी विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन स्पीशी विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन आपका जो भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसे बोलेंगे न्यूक्लियो और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है स्पीशी विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ठीक है उसे कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल अब देखो जनरली आप क्या देखोगे आपके न्यूक्लियो का काम कौन करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो जनरली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कभी भी आपके पास पीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या फिर आपके पास पीसी के ऊपर पेयर है या फिर आपके पास पीसी के ऊपर पाए इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है पाए इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इन सभी केसेस में आपका स्पीशी काम करेगा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का केस क्या होता है अगर आपके स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है या फिर वेकेंट ऑर्बिटल है इन सभी केसेस में आपका स्पीशी काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल यह आपको समझ आ गया तो मैंने क्या बोला अगर आपको दिक्कत आता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में एरो कैसे चलेगा आरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मतलब जो स्पीशी आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो स्पीशी आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है जनरली जो भी आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होगा लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशी होगा या फिर पाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला स्पीशी होगा काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का जनरली जो भी आपका स्पीशी होगा जिसके ऊपर या तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा या तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा या तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा वो आपका काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल जैसे और एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल आपको हर रिएक्शन स्टेप में खाली न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई करना है अगर आपने ये कर लिया तो आपका काम खत्म आपका काम खत्म ठीक है यह आपको समझ आ गया अब एक चीज देखो यहां पे अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ ना न्यूक्लियोफाइल के बारे में और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में देखो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियो के बारे में तो न्यूक्लियो क्या होता है जो भी आपका स्पीशी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को उसे कहेंगे न्यूक्लियो अब देखो यहाँ पे आपके पास कौन से कौन से न्यूक्लियो जनरली आपको दिखेंगे एक तो आपको दिखेंगे यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियो फाइल जैसे इसका कॉमन एग्जाम्पल आपके पास क्या हो गया पता है इसका आपके पास कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा मैं दिखाता हूं ऑरेंज कलर से यह हो जाएगा आपके पास H माइनस सी एच सी माइनस एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस इसके अलावा ओ एच माइनस सी एन माइनस एस एच माइनस एस आर माइनस एन थ्री माइनस ऐसा कुछ ठीक है इसके अलावा आपके पास यहाँ पे होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जिसके पास ना लोन पेर होता है जैसे कि आपके पास वाटर हो गया अल्कोहल हो गया इसके अलावा आपके पास यहाँ पे अमीन हो गया ठीक है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में पाए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल हो जैसे कि एल्गीन सिस्टम हो गया आपके पास है ना या फिर आपके पास बेंजीन हो गया इसके पास भी पाए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल है ये सब आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में आते हैं या तो पेयर होगा या तो पाए इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा ठीक है अब देखो बहुत बार ना यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेशल टाइप के न्यूक्लियोफाइल भी आते हैं जैसे कि मानो हमारे पास यहाँ पे आ गया बी एच फ़ोर नेगेटिव या फिर बी एफ फोर नेगेटिव ठीक है या फिर हमारे पास आ गया पी सी एल सिक्स नगेटिव ये सब हमारे पास काम कर सकते हैं न्यूक्लियो का कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है अब देखो ऐसे हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है जो स्पीशी आपका एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को देखो सबसे पहले यहां पे क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि यहां पे क्या आएगा H प्लस डी प्लस सी एस थ्री प्लस सी एच टू सी एस थ्री प्लस है ना और यहाँ पे सी एल प्लस आ गया बी आर प्लस आ गया जो भी आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है आगे देखो यहाँ पे आपके पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में कौन आएगा जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा जो कि आपका काम कर सकता है लुइस एसिड ठीक है जैसे कि यहाँ पे बी एफ थ्री आ जाएगा काम करता है लुइस एसिड इसके अलावा आपके पास यहाँ पे बोरेन आ जाएगा उसका मोनोमर ले रहा हूं वो भी आपके पास काम करता है लुइस एसिड इसके अलावा ए एल सी एल थ्री आ जाएगा ठीक है एस बी सी एल फाइव आ जाएगा सब काम करता है लुइस एसिड इसके अलावा देखो यहाँ पे आपके पास ये भी होते हैं यार कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल मतलब आपको देख के ऐसा लगता है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी ये काम करता है एज इस इलेक्ट्रोफाइल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास CO2 है देख के लगता है कि ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी काम करता है एज इलेक्ट्रोफाइल समझ आ रहा है या फिर आपके पास यहां पे एल आ गया देख के लगता है ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी काम करता है इलेक्ट्रोफाइल क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता है यही रीजन है ठीक है अब एक चीज समझो ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है बहुत खास होता है क्यों देखो अगर आपके पास आर वन है सी डबल बॉन्डो आर टू यह आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है देखो अगर मैं ना इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल लाऊंगा तो आपको दिख रहा है यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का प्रेजेंस है तो हमें कंपाउंड में से न्यूक्लियोफाइल वाले पोर्शन को आइडेंटिफाई करना होगा ऑक्सीजन के पास लोन लोनपेर होते हैं तो काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, का रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल तो ऐसा करने से क्या होगा देखो हमारा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि इसने लोन पेयर को डोनेट किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना कैसा होता है हाईली अनस्टेबल तो बहुत ही तेजी से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है ये आपको समझ आ गया तो यहां पे हमारे कार्बोनिल कंपाउंड ने बिहेव किया एज अ न्यूक्लियोफाइल यही अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड वापस लेता हूं आपकी बार अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल तो अवेलेबल है हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तब हम क्या बोलेंगे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ऑक्सीजन का एज compared टू कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा डेल नेगेटिव आएगा डेल पॉजिटिव आएगा जैसे ही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा आपको पता है रिएक्शन मैरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएंगे ओ के ऊपर नेगेटिव आएगा यहाँ पे आर टू यहां पर एनयू आगे जाके अगर आप चाहो तो प्रोटीक वर्ग अपरा दो ओ तो नेगेटिव को एच मिल जाएगा ठीक है तो ये ना आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है यही आपको सिखाना था इसीलिए इसका एक खास नाम होता है एम्बीफाइल कि आपके कार्बोनिल कंपाउंड काम करते हैं एज एम्बीफाइल इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों का बिहेवियर शो कर सकते हैं ठीक है अब देखो एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मैं ना आपको सिखाना चाहूंगा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है समझो मानो अगर हमारे पास यहां पे एच थ्री पॉजिटिव है ठीक है और यहां पे हमारे पास एक न्यूक्लियो है तो आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो मैंने आपको पीछे बताया था इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और आपके पास अगर किसी आइटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है तो वो काम करता है एज इलेक्ट्रोफाइल तो आप बोलोगे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है काम करेगा एज़ इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल हाँ आप क्या बोलोगे रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल ऐसा करने से आपके पास न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा ऐसा करके कुछ और आपके हिसाब से ऐसा कुछ होना चाहिए है ना लेकिन ये गलत है यार ये नहीं होगा क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर शो करता है अभी देखो आपके ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है इसने एक लोन पेयर को डोनेट किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव आया इसके पास एक लोन पे अभी बचा है ना इसके पास एक लोन पर अभी भी बचा हुआ है काउंट करो बना रहे तीन कोवलेंट बॉन्ड इसका मतलब छह इलेक्ट्रॉन एक लोन पर इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है समझ आया इसका आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट है इसका मतलब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ये बहुत बेसिक सा मिसकॉन्सेप्शन है तो यहां पर असलियत में क्या होगा असलियत में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा ना आपको इतना समझ आ गया कि आपका ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है हम क्या बोलेंगे कि आपका ऑक्सीजनिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जब आप एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दो वो पागल हो जाता है ठीक है देखो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का वैसे टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जब आप उसके ऊपर पॉजिटिव दे दोगे तो जो उसका टेंडेंसी था इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा अब वो और तेजी से सराउंडिंग आइटम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जब वो बहुत तेज़ी से सराउंडिंग आइटम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव आएगा अब ये हाइड्रोजन वाला पोर्शन काम करेगा एस क्या एज इलेक्ट्रोफाइल तो आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास एन यू एच बनेगा साथ में वाटर बनेगा ठीक है तो मुझे कैसे पता चलेगा कब आपका ऊपर वाला केस है कब आपका नीचे वाला केस है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है देखो इलेक्ट्रोफाइल कब होगा जब उसके ऊपर होने वाला चार्ज आपका रियल चार्ज हो अभी जो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज, चार्ज है फॉर्मल चार्ज है ठीक है तो फॉर्मल चार्ज कैसे पहचानते हैं एक एटम नॉर्मली जितने बॉन्ड बनाता है ना जब उससे ज्यादा बॉन्ड बनाने लग जाए इसका मतलब उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आपका फॉर्मल चार्ज आएगा आपका ऑक्सीजन नॉर्मली बनाता है दो बॉन्ड यहां पे बना रहे तीन बॉन्ड तो जिसके ऊपर चार्ज आ रहा है वो इसका फॉर्मल चार्ज है और जब आपके पास कोई एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल का, का काम नहीं करेगा उस केस में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव अनस्टेबल है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपने तरफ खींचेगा तो उस वजह से ये काम करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल ठीक है मेरे ख्याल से आपको बेसिक बार क्लियर हो गया ऐसे ही देखो यहां पे एक और बेसिक बात है न्यूक्लियोफाइल में भी मानो आपके पास यहाँ पे ना बी एच फोर है मान लेते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तो आप क्या सोचते हो कि इसके ऊपर नेगेटिव है काम करेगा न्यूक्लियोफाइल जैसे तो एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल और आप क्या कहते हो तो एरो आपके पास ऐसे चलेगा है ना क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा ऐसा आपको लगता है लेकिन ये वापस से गलत है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है क्योंकि अगेन इसके ऊपर आने वाला चार्ज फॉर्मल चार्ज है आप देखो ना आपका बोरोन नॉर्मली बनाता है कितना बॉन्ड है नॉर्मली बनाता है तीन बॉन्ड यहाँ बना रहे चार बॉन्ड इस वजह से नेगेटिव आ रही फॉर्मल चार्ज है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है यहाँ पे हम बोलेंगे ना कि देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन लीव कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन लीव कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड उसके बाद जाके ये हाइड्राइड आपका H प्लस को कैच करेगा समझे तो ऐसा करने से यहाँ पे आपका बेस थ्री बाहर हो गया और आपका ई एच बन जाएगा ठीक है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं आपको यार तो अगर आपको ये समझ आ रहा है मुझे एक बात बताओ अगर मैं कुछ ऐसा दूँ आपको ठीक है देखो ध्यान से अगर मैं आपको कुछ ऐसा दूँ इसके ऊपर पॉजिटिव है और यहां पे ओएच माइनस OH है तो आपको समझ आ रहा है ओ एच माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना है तो ऐसा मत बोलना कि सल्फर के ऊपर पॉजिटिव काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का गलत हो जाएगा ऐसा मत बोलना सल्फर के ऊपर पॉजिटिव है काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का गलत हो जाएगा आप यहाँ पे क्या बोलोगे सल्फर आपका दो बॉन्ड बनाते हैं नॉर्मली ऑक्सीजन का भाई है यहाँ पे बना रहे तीन बॉन्ड चार्ज आपका फॉर्मल चार्ज है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि जब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो पागल हो जाता है और बहुत तेजी से सराउंडिंग आइटम से इलेक्ट्रॉन को खींचता है जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी हो जाएगी तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल तो आपको न्यूक्लियोफाइल मिल गया आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया रिएक्शन में आरू चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से सल्फर के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो यहां से प्रोडक्ट क्या बना आपके पास एक बना सी एस थ्री ओ एच और साथ में क्या बना देखो आपके पास ऐसा कुछ बना ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा ठीक है तो रिएक्शन मैकेनिज्म में इतना बेसिक काफ़ी है अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक रिएक्शन आपका दो पाथवे फॉलो करता है फर्स्ट पाथवे जहाँ पे, पे इंटरमीडिएट बनता है सेकेंड पाथवे जहाँ पे, पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है और एक ही साथ बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है तो ये आपके पास हो गया इतना काफी है है ना हम क्या करेंगे ना जिन रिएक्शन की बात करेंगे उसमें मेनली हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा होगा ठीक है सबसे पहले हम समझते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास क्या होता है देखो ये ना आपके पास क्या होता है ये आपके पास होता है अनस्टेबल स्पीशी विच इज short lived विच इज short lived एंड फॉर्म्ड इन बिटवीन अ रिएक्शन ठीक है कौन से कौन से आपके पास होते हैं कार्बो होता है कार होता है कार्बन फ्री रेडिकल होता है कार्बीन नाइट्रीन अराइन तो यहां पे जाके हमने रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक खत्म किया नेक्स्ट लेक्चर से हम रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में अब देखो हमारा पैटर्न क्या रहेगा ना हम एक एक रिएक्शन इंटरमीडिएट को उठाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे उसका जनरेशन पढ़ेंगे उसके स्टेबिलिटी का फैक्टर पढ़ेंगे और साथ में उससे करस्पॉन्डिंग हमारे सिलेबस में जो भी रिएक्शन होगा उसको देखने की कोशिश करेंगे जैसे हमारा कल का टॉपिक है कार्बन फ्री रेडिकल तो उसका जनरेशन पढ़ेंगे उसका स्टेबिलिटी पढ़ेंगे और हमारे सिलेबस के कौन से कौन से रिएक्शन में कार्बन फ्री रेडिकल बनता है उसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है ऐसे हम सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए करेंगे अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं ईजी केमिस्ट्री जेई नीट मेरे चैनल पे आपको चैप्टर वाइज जे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के पी वाई क्यू मिल जाएंगे हम अपने चैनल पे फाइव के सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे तो आज के लेक्चर में इतना ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू